10,000 और 15,000 रुपए के अंदर आने वाले बेस्ट स्मार्टफोन की वीडियोस हर जगह देखने मिलती है, लेकिन कुछ यूजर्स का बजट 10,000 से ज्यादा होता है और 15,000 से थोड़ा कम होता है, या इन दोनों के बीच में कहीं होता है। तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनका बजट 12,000 से 13,000 रुपए के बीच में है और उस प्राइस रेंज पर एक बेस्ट स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे बेस्ट स्मार्टफोन जो 12,000 से 13,000 रुपए के प्राइस रेंज में आते हैं, जानेंगे उनके फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, प्रोज एंड कॉन्स, जिससे आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी और एक बेहतरीन स्मार्टफोन चॉइस करने में आसानी होगी। दोस्तों, इस प्राइस रेंज में बहुत सारे स्मार्टफोन आते हैं, उनमें से हमने टॉप 5 स्मार्टफोन निकाले हैं जो इस प्राइस रेंज में आपको वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, जो 15,000 रुपए वाले स्मार्टफोन को स्पेसिफिकेशंस के मामले में टक्कर दे सकते हैं। इन फोन्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस और फीचर्स के आधार पर हमने इन फोन्स की रैंकिंग की है। जरूरी नहीं कि आपकी भी रैंकिंग सेम हो, क्योंकि फोन में आपको सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आप अपना फोन सिलेक्ट करें। सो माय नेम इज आशीष एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F22। फोन की सबसे खास बात है इसका डिस्प्ले और क्वाड कैमरा सेटअप। फोन आता है 6.4 इंचेस की HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो आती है HDR और 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ। अगर बात करें इसके कैमरा की तो फोन आता है 48MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, और सामने की तरफ आपको 13MP का फ्रंट कैमरा सेंसर देखने मिलता है। फोन का प्राइमरी कैमरा आपको डिसेंट लेवल की फोटो क्वालिटी प्रोवाइड करता है। फोन में आती है 6000mAh की बड़ी बैटरी जो आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप आराम से दे देगी। फोन आता है 15W के चार्जर के साथ, जिससे ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटरी चार्ज होने में टाइम लगता है। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की तो फोन आता है मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर के साथ, जो इस प्राइस रेंज में एक डिसेंट परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है, जो डे टू डे टास्क हैंडल करने में केपेबल प्रोसेसर है। फोन आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, उसी के साथ सभी सेंसर आते हैं। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ 5.0, NFC, 4G, OLTE और उसी के साथ GPS, ग्लोनेस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। ये फोन आता है 4GB, 64GB और 6GB, 128GB वेरिएंट के साथ में। 4GB, 64GB की प्राइस है 13,000 जो ऑफर्स वगैरह लगाकर और भी कम हो जाती है, और 6GB, 128GB की प्राइस 15,000 रुपए देखने मिलती है। अब चलते हैं इस फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, 1UI 3.1 बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, डिसेंट क्वालिटी कैमरा सेटअप, बिग 6000mAh बैटरी, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसकी कॉन्स की तो 15W का चार्जर आता है जो स्लाइटली स्लो चार्ज करता है 6000mAh की बैटरी को। इसमें 5G सपोर्ट नहीं करता और ओनली 720p रेजोल्यूशन के साथ आता है। अगर इस प्राइस पॉइंट पर आपको सैमसंग का ही फोन लेना है या फिर नॉन चाइनीज ब्रांड का फोन लेना है तो सैमसंग गैलेक्सी F22 आपके लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकती है। परफॉर्मेंस और प्रोसेसर के हिसाब से ये फोन आता है हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 पर आता है मोटोरोला का लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटो G31। फोन आता है ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक बॉडी और प्लास्टिक बैक के साथ। इसमें आती है 6.4 इंचेस की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले। बात करें इसके कैमरा की तो फोन आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 50MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड और 2MP माइक्रो सेंसर इसमें देखने मिलता है, और सामने की तरफ आपको 13MP का सेल्फी सेंसर दिया है। फोन का कैमरा डे लाइट कंडीशन में अच्छी क्वालिटी फोटोज कैप्चर करता है। फोन आता है 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ जो काफी अच्छा बैटरी बैकअप देती है, और साथ में 20W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने मिलता है। अब चलते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। तो ये फोन आता है मीडियाटेक हेलियो G85 प्रोसेसर के साथ। हेलियो G85 एक डिसेंट प्रोसेसर है, इसके साथ आप मल्टीटास्किंग और थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सकते हैं। फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, उसी के साथ सभी सेंसर मौजूद है। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो ड्यूअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, 4G, OLTE और उसी के साथ GPS, ग्लोनेस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। अगर बात करें इसके यूनिक फीचर्स की तो इसमें आती है थिंकशील्ड की मोबाइल सिक्योरिटी। फोन वाटर रिपेलेंट डिजाइन के साथ आता है और आपको इसमें क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड का एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। ये फोन भी 2 वेरिएंट के साथ आता है, 4GB, 64GB और 6GB, 128GB। इसके 4GB, 64GB की प्राइस है 13,000 रुपए, जो फेस्टिव सीजन में आपका और भी कम प्राइस में देखने को मिलता है, और इसका 6GB, 128GB आता है 15,000 रुपए में। अब चलते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले, डिसेंट परफॉर्मेंस चिपसेट, थिंकशील्ड की मोबाइल सिक्योरिटी, वाटर रिपेलेंट डिजाइन, ब्लोटवेयर फ्री स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस, डिसेंट क्वालिटी कैमरा सेटअप और 5000mAh बैटरी विद 20W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। तो ये है इसके प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो नो फास्ट रिफ्रेश रेट, नो HDR सपोर्ट, नो डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट और एवरेज साउंड आउटपुट। तो ये है इस फोन के मेजर कॉन्स, इसलिए ये फोन आता है हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले फोन की तरफ। तो नंबर 3 पर आता है इन्फिनिक्स नोट 11। बात करें इसके डिजाइन की तो ग्लास फ्रंट, प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक के साथ आता है। फोन की थिकनेस 7.9mm है, जिससे ये फोन काफी स्लिम और स्टाइलिश लगता है। फोन आता है 6.7 इंचेस की फुल HD+ एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जो 750 nits के पीक
ब्राइटनेस के साथ आती है। इसमें भी आपको फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता। फोन आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, 50 मेगापिक्सल वाइड, 2 मेगापिक्सल डेप्थ और AQVGA लेंस जिसका कोई मतलब नहीं बनता, और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है। फोन का प्राइमरी कैमरा HDR को सपोर्ट करता है और आप इसमें 2K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। डे लाइट कंडीशन में ठीक ठाक फोटोज निकाल लेता है, लेकिन लो लाइट कंडीशन में उतना अच्छा वर्क नहीं करता। अगर बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये आता है MediaTek Helio G88 प्रोसेसर के साथ, जो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर है जिसे आप थोड़ी बहुत हेवी टास्क भी कर सकते और नॉर्मल लेवल की गेमिंग भी कर सकते हैं। ये फोन आता है 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ, जो काफी अच्छा बैटरी बैकअप देती है, और उसी के साथ 33W का फास्ट चार्जर देखने मिलता है, जो इस फोन को बाकी फोन से यूनिक बनाता है। फोन आता है ड्यूएल DTS सराउंड साउंड स्पीकर के साथ, आपको इसमें 1GB की वर्चुअल रैम देखने मिलती है। ये फोन भी आता है साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ, उसी के साथ सभी सेंसर आते हैं। कनेक्टिविटी की बात करें तो ड्यूएल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, 4G OLTE, उसी के साथ GPS, ग्लोनेस का भी सपोर्ट देखने मिलता है। इस फोन के भी दो वेरिएंट्स आते हैं, 4GB 64GB और 6GB 128GB। अगर प्राइस की बात करें तो 4GB 64GB आपको 12,500 रुपए में देखने मिलता है, और वही इसका 6GB 128GB 14,500 के आसपास देखने मिलता है। अब चलते हैं इसके प्रोज और कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले विद 700 निट ब्राइटनेस, 5000mAh बैटरी विद 33W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, डेडिकेटेड माइक्रो HD कार्ड स्लॉट, डिसेंट प्रोसेसर और स्लिम और स्टाइलिश डिजाइन। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर बात करें इसके कॉन्स की तो विदाउट गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन, मेनी ब्लोटवेयर एंड अनवांटेड एप्स प्रेजेंट इन UI, और लो लाइट फोटो कंडीशन में इतना अच्छा काम नहीं करता। तो ये है इस फोन के कॉन्स। ये फोन 3 नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि इन्फिनिक्स इंडिया में नया ब्रांड है और इसके सर्विस सेंटर हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इस प्राइस पर जो ये फीचर्स प्रोवाइड करता है उस हिसाब से ये फोन हमारी लिस्ट में आता है नंबर 3 पर। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर आता है Redmi 10 Prime। अगेन ये फोन भी स्टाइलिश और मिनिमल डिजाइन के साथ आता है, जो दिखने में काफी प्रीमियम लगता है। फोन में 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले आती है, जो 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। साथ ही आपको सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है। ये फोन आता है कमाल के क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें आपको 50MP वाइड, 8MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर मिलता है, और सामने की तरफ आपको 8MP का सेल्फी सेंसर मिलता है। फोन का कैमरा डिसेंट लेवल की इमेजेस क्लिक करता है। फोन आता है 6000mAh की बैटरी के साथ, जिसमें आपको कमाल की बैटरी लाइफ देखने मिलती है, और इसे चार्ज करने के लिए फोन आता है 18W के चार्जर के साथ। बात करें इसके परफॉर्मेंस की तो ये फोन भी आता है Helio G88 प्रोसेसर के साथ, जो एक काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के देता है। ये फोन भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, उसी के साथ सभी सेंसर भी इसमें मिलते हैं। अगर बात करें कनेक्टिविटी की तो ड्यूल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC, 4G OLTE और उसी के साथ GPS और ग्लोनेस के साथ आता है। ये फोन भी दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB 64GB और 6GB 128GB। इसके 4GB 64GB की प्राइस है 12,500 रुपए और 6GB 128GB की प्राइस है, जो फेस्टिव सीजन और ऑफर्स में और भी कम हो जाता है। अब चलते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। अगर बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस डिस्प्ले विद 90Hz फास्ट रिफ्रेश रेट, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, 50MP क्वाड कैमरा सेटअप, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट, 9W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट बेस्ड ऑन लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और 6000mAh की बड़ी बैटरी। तो ये है इस फोन के प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो नो AMOLED डिस्प्ले, नो 5G और NFC सपोर्ट, मेनी ब्लोटवेयर प्रेजेंट इन UI और 18W का चार्जर, जो स्लाइटली स्लो चार्ज करता है 6000mAh की बड़ी बैटरी को। इस वजह से ये फोन आता है हमारी लिस्ट में नंबर 2 पर। अब चलते हैं इस लिस्ट के नंबर 1 फोन की तरफ। और मैं खुश हूँ इसलिए कि ये लेटेस्ट फोन है और ये इंडियन ब्रांड का है, और जो डिजाइन स्पेक्स और परफॉर्मेंस के साथ ये आता है उस हिसाब से ये फोन 15,000 के फोन को टक्कर देता है। तो नंबर 1 पर आता है माइक्रोमैक्स इन नोट 2। ये फोन आता है स्टाइलिश ग्लॉसी और बॉक्सी डिजाइन के साथ, जो ग्लास बैक फिनिश के साथ आता है। इस प्राइस पॉइंट पर ऐसा कोई फोन नहीं है जो ग्लास बैक फिनिश के साथ आता हो। फोन में 6.43 इंचेस की AMOLED डिस्प्ले है, जो गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शन के साथ आती है। फोन आता है क्वाड कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 48MP वाइड, 5MP अल्ट्रा वाइड, 2MP मैक्रो और 2MP डेप्थ सेंसर आता है, और सामने की तरफ आपको 16MP का सेल्फी सेंसर देखने मिलता है। फोन का कैमरा डिसेंट लेवल की फोटोज कैप्चर करता है, लेकिन इसे और थोड़ा ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। फोन में 5000mAh की बैटरी आती है और इसे चार्ज करने के लिए 30W का फास्ट चार्जर आता है। ये फोन सभी मामले में एक ऑलराउंडर साबित होता है। अब चलते हैं इसके परफॉर्मेंस की तरफ। परफॉर्मेंस के मामले में भी ये अपने सारे कंपटीटर से काफी आगे निकलता है, क्योंकि इसमें आता है MediaTek Helio G95 प्रोसेसर, जो एक पावरफुल प्रोसेसर है जिसका अंतुदु स्कोर 300,000 से भी ज्यादा आता है, जिससे आप कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। यह फोन आपको अच्छे लेवल की गेमिंग भी करवा देता है। माइक्रोमैक्स की खास बात यह है कि सभी फोन स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आते हैं। इस प्राइस रेंज में बाकी के फोन में फालतू के एप्लीकेशन और एड्स आती
आती है, लेकिन इसमें आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉइड मिलता है जो काफी फास्ट और लैग फ्री एक्सपीरियंस देता है। इस फोन के 4GB 64GB वेरियंट की प्राइस है 13,500 रुपए, लेकिन ये 12,500 रुपए की ऑफर प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है। उसके बाद ये फोन आपको 13,500 पर ही मिलेगा, लेकिन सेल्स और फेस्टिव सीजन में आपको ये 12,000 के अंदर भी मिल सकता है। अब चलते हैं फोन के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। बात करें इसके प्रोज की तो फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन, स्टाइलिश एंड प्रीमियम डिजाइन विद ग्लास बैक पैनल, पावरफुल प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप, क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और 5000mAh बैटरी विद 30W फास्ट चार्जर। ये है इस फोन के प्रोज। अगर इसके कॉन्स की बात करें तो इसमें फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता, इसमें NFC और 5G सपोर्ट नहीं मिलता, ये सिंगल वेरिएंट के साथ आता है और थोड़ी बहुत कैमरा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत है। तो 13,500 रुपए की प्राइस पॉइंट पर ये फोन सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फीचर्स प्रोवाइड करता है, इसलिए ये फोन भी हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर आता है। सभी फोन्स की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप डायरेक्टली चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सभी प्राइस रेंज की वीडियोस मिल जाएंगी, उन्हें भी देखना ना भूले। अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।